हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तराखंड के अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें कि उत्तराखंड स्पेसिफिक न्यूज को हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। एमसीक्यू बेस्ड हमारा पैटर्न होगा, जो कि पहले की वीडियोस में भी रहा है। ये आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स, जिनमें की उत्तराखंड स्पेसिफिक न्यूज भी पूछी जाती है, उनके लिए हेल्पफुल होगा। मेरा नाम रवनीत कौर है, शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका रेयर ब्रॉन्ज बैग के बारे में। देखिए, ये ना रिसेंटली अभी हाथी बरकला में देखने को मिला था। ये आपका जो हाथी बरकला है, ये बेसिकली देहरादून का एरिया है, वहां पे ये आपका स्पॉट हुआ था। तो आपको बताना है कि ये क्या है, पर्टिकुलरली किस टाइप का स्पीशीज है जो कि वहां पे मिला था। डायग्राम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इजी है डायग्राम से देखना। आंसर है स्नेक, ये एक टाइप का स्नेक है। ठीक है, आपको मैंने फिगर दे दिया क्योंकि आपको इजीली समझ लग जाए, वरना हम जानते हैं एग्जाम में तो ये नहीं आएगा डायग्राम के थ्रू। तो आपको ध्यान रखना है कि रेयर ब्रॉन्ज बैग अगर पूछा जाए कि क्या है, तो ये एक टाइप का स्नेक है। आप इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो देहरादून के डेंस फॉरेस्ट है वहां पे ही मिलता है, लेकिन अब कुछ टाइम से क्या हो रहा है, जो अर्बन एरियाज हैं, जैसे कि उषा कॉलोनी का एरिया हो गया, वहां पे भी ये धीरे धीरे स्पॉट होने शुरू हो चुके हैं। तो इससे हमें ये समय लग रहा है, या तो फिर जंगल में चीजों की कमी हो रही है, या फिर जो मैन बेस्ड प्लेसेस हैं उनका एक्सपेंशन जो है वो जंगलों की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो जंगलों में रहने वाली स्पीशीज हैं वो अब उन एरियाज में आने शुरू हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में हुई हैवी रेन के बारे में। बहुत ही इमेंस रेनफॉल हुआ, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड उत्तराखंड में देखने को मिले और बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। इसी लैंडस्लाइड और हैवी रेन को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने उत्तराखंड को कॉम्पेंसेशन के लिए कुछ करोड़ का अमाउंट दिया है। अब आपको बताना है कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कितने करोड़ दिए गए इस लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए। करेक्ट आंसर है 10 करोड़ रुपए जो हैं वो प्रोवाइड किए गए, ताकि ये जो हैवी रेन हुआ है, इससे जो भी लॉस हुआ है उसको दोबारा से कवर अप किया जा सके, और फिर से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रिहैबिलिटेशन की जो फैसिलिटी है, जिन लोगों के घर खराब हो गए, बर्बाद हो गए, उनको वो फैसिलिटी मुहैया करवाई जा सके। देखिए, जो जो एक्सेसिव रेनफॉल और लैंडस्लाइड अब देखने को मिल रहे हैं, इसका सबसे मेजर जो कॉज है वो है क्लाइमेट चेंज प्लस मैन मेड एक्टिविटीज, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज अब उन एरियाज में भी पहुंच चुकी हैं इतनी डेवलपमेंट की वजह से, जहां पे एक टाइम पे केवल नेचर हुआ करता था। अब जब हम इंटरवीन करते जा रहे हैं, पहाड़ों की कटिंग हो रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और बहुत सारे मतलब ट्रैफिक बहुत हाई हो गया है पहाड़ी एरियाज में, तो ये सब रीजंस है जिसकी वजह से वहां का जो नेचुरल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। इसी कारण से ये फ्रीक्वेंसी जो है वो अब लगातार इंक्रीज होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि इन सारे ऑप्शंस में से किसको हम फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं के रूप में जानते हैं, क्योंकि उस जगह पे आपको बहुत सारे एप्पल्स, एप्रिकॉट, पीच और पियर्स के बगीचे देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है रामगढ़। और इसको क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली ये है कहाँ पे, ये आपका नैनीताल में है। नैनीताल का जो एरिया है तल्ला रामगढ़, ये मार्केट है जिसको कि फ्रूट बॉल ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता था। बेसिकली जो अभी हैवी रेनफॉल उत्तराखंड में देखने को मिला, उसकी वजह से ये मार्केट आपका डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है रामगढ़ है आंसर। आप और चीज रामगढ़ के बारे में अगर ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं कि ये जो एरिया था, एक टाइम पे इंग्लिश आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया हुआ करता था। और उसके अलावा जो रिनॉन्ड आपके पोएट थे रविंद्रनाथ टैगोर और एक सोशल वर्कर थे नारायण स्वामी, इन दोनों ने ही रामगढ़ में अपने आश्रम जो थे उनको एस्टेब्लिश किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत सारी अपनी कॉम्पोजिशन जो है वो इसी रामगढ़ के एरिया में आके लिखी थी। बहुत ही ब्यूटिफाइड एरिया था, अब तो काफी डिस्ट्रॉय हो गया आफ्टर द डिजास्टर, ब्यूटिफाइड होगा ही जब इतने सारे बगीचे आपको आसपास देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिशर्स जो थे वो हॉलीडेज के टाइम पे मैक्सिमम यहीं पे आके रहना पसंद करते थे। बहुत सारे पोएट्स और राइटर्स जो थे वो भी रामगढ़ के एरिया में लगातार आते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता था कि यहाँ की ब्यूटिफिकेशन की वजह से, यहाँ की पीस की वजह से जो उनकी क्रिएटिव एबिलिटी है वो और भी ज्यादा निखर के सामने आती है, और वो और भी ज्यादा अच्छा सोच पाते हैं, लिख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
सीएनजी के रेफरेंस में है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट द कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। फर्स्ट ऑप्शन है कि मेजर गैस जो होती है सीएनजी में वो आपकी मिथेन होती है, दैट इज CH4, सही पॉइंट है। सेकंड है सल्फर ऑडरेंट जो है उसको सीएनजी के साथ मिक्स किया जाता है ताकि आगे चल के अगर कोई लीकेज हो तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए, ये पॉइंट भी आपका एकदम करेक्ट है। थर्ड है कि ये एलपीजी के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांटेजियस होती है क्योंकि ये हवा से हल्की होती है, हवा से हल्की होने की वजह से अगर लीकेज होता है तो ये आराम से हवा में उड़ जाएगी, और अब हवा में उड़ जाएगी तो कोई आग वगैरह नहीं लगेगी। वहीं अगर आपके एलपीजी के सिलेंडर लीक होते हैं तो वो आग लग जाती है क्योंकि वो हवा से भारी होते हैं और वो नीचे ही सरफेस पे रह जाती है गैस, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है, तो चारों ही आपके पॉइंट्स जो हैं वो इसके बारे में करेक्ट हैं। इसके अलावा ये ध्यान रख सकते हैं कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो भी सीएनजी में प्रेजेंट होते हैं अपार्ट फ्रॉम मीथेन, और जो नेचुरल गैस है उसको व्हीकल्स में स्टोर किया जाता है इन द कंप्रेस्ड फॉर्म, इसीलिए इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। जो कंप्रेशन होता है वो 200 से लेके 250 बार प्रेशर का होता है, ठीक है। हम इसे क्यों स्टडी कर रहे हैं सीएनजी को, क्योंकि ये कहा जा रहा है उत्तराखंड के बारे में कि वहां पे जो अब रोडवेज की बसेस चलती हैं उनको जल्द ही सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि अब वो डीजल पे नहीं चलेंगी और जल्द ही वो सीएनजी पे चलना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए जो रोडवे बोर्ड है उन्होंने परमिशन भी दे दी है, तो बस अब इस पे काम जल्दी ही शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में है। इसका सेकेंड फेज जो है वो उत्तराखंड में शुरू हो चुका है इम्प्लीमेंटेशन का। अब आपको बताना है कि सेकेंड फेज के तहत कितने गांव जो है उनको कवर किया जाएगा और उनको डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका 1800, ठीक है। 1800 गांव अब डिजिटल विलेज बनेंगे अंडर दिस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। देखिए डिजिटल विलेज क्या होता है, मतलब इसके तहत किया क्या जाएगा उन गांव में, 5 कंप्यूटर लैब जो है वो हर एक गांव में सेटअप किए जाएंगी, जिनको कि हम CSC सेंटर बोलेंगे, जहाँ पे अगर आप अपना कोई इनरोलमेंट करवाना चाहते हो, वोटर आईडी बनाना चाहते हो, वो आप यहाँ पे जाके सर्विस सेंटर से अप्लाई कर सकते हो। पूरा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट इसके लिए बियर करेगी। गवर्नमेंट जो भी चिल्ड्रन कंप्यूटर एजुकेशन लेना चाहते हैं इस जगह पे आके 5 सेंटर्स में, अगर वो लेना चाहते हैं गवर्नमेंट उनकी भी फंडिंग करेगी, उनकी एजुकेशन को पूरी तरीके से फ्री करेगी, ठीक है। तो आप अपना कोई भी जो सेंटर, इस सेंटर में जाके अपना कोई भी काम हो, चाहे आधार कार्ड अप्लाई करने का, चाहे पैन कार्ड अप्लाई करने का, इस कम्युनिकेशन सेंटर पे आप वो चीज कर सकते हो। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मोटिव ही ये था कि पूरे हर एक एरिया को डिजिटली एक्टिव करना, और अगर कोई एरिया डिजिटली एक्टिव हो जाता है उससे ना केवल उस एरिया की ग्रोथ ज्यादा हो पाएगी बल्कि ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी कि वहां पे जो फंडिंग रिलीज हो रही है उसको एप्रोप्रिएटली यूज किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा। जो फर्स्ट फेज है उसको तो इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, ये सेकेंड फेज के तहत 1800 गांव और सिलेक्ट हुए हैं इन द उत्तराखंड जिनको डिजिटल विलेज बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है वो उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट से शुरू की गई है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये एयर एम्बुलेंस का ही पार्ट है, कोई पेशेंट है उसको आप बाय द एयर कैरी कर रहे हैं। तो आपको बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सर्विस अभी इनिशिएट की गई है। करेक्ट आंसर है चमोली, ठीक है। देखिए ये एक फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये अपना बॉर्डर किस किस से शेयर करता है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, ठीक है। ये देखिए चमोली में जो सर्विस शुरू की गई है वो इसलिए भी की गई है क्योंकि बाय आप रोड अगर जाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको बहुत कन्वीनियंट भी नहीं पड़ता और टाइम टेकिंग है। तो ये एयर एम्बुलेंस की जो सर्विस है वो वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज जो है उस एरिया की उनको और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगी, स्ट्रेंथन करेंगी, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा है कि एयर एम्बुलेंस जो है उससे क्या होगा, जो रिमोट विलेजेस हैं चमोली के वहां से जो भी पुअर या फिर कॉमन पेशेंट है वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हेल्थ सर्विसेज को क्योंकि वो वहां से जा ही नहीं सकते, रोड के थ्रू उन्हें महंगा भी पड़ता है, तो उनके लिए ये एयर एम्बुलेंस एक अच्छा काम करेगी, उनको फ्री में हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, हर एक हेल्थ फैसिलिटी की जो सर्विस है उन्हें मुहैया करवाने की कोशिश की जाएगी और एयर लिफ्ट के थ्रू उन्हें अच्छे और कन्वीनियंट हॉस्पिटल में ले जाके उनकी जान बचाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रिपोर्ट के बारे में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई
जिसमें ये देखा गया कि किस तरीके से टाइगर पॉपुलेशन जो है वो ऑल अक्रॉस द इंडिया ग्रो कर रही है, उनका हंटिंग कितना हो रहा है, पोचिंग कितना हो रहा है, ये सब स्टडी किया गया। तो अब आपको बताना है कि इस रिपोर्ट के अंडर मैक्सिमम हंटिंग ऑफ टाइगर्स कौन से एरिया में इंडिया के देखी गई है, जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर्स जो है उनको हंट किया गया है। करेक्ट आंसर है आपका सेंट्रल। सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा हंटिंग ऑफ टाइगर्स देखी गई है। अगर हम बात करें विद स्पेसिफिक टू स्टेट, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टाइगर हंटिंग के इंसिडेंट जो है वो उनको सपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी कहा गया है कि कोविड के पीरियड के टाइम पे ये जो हंटिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इस साल में भी अगर हम देखें 2021 तक अगर हम देखें तो 42 टाइगर्स को अभी तक हंट किया जा चुका है। हंटिंग को रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ही मुश्किल से इंडिया में बढ़नी शुरू हुई है। टाइगर एक बहुत ही आप बोल सकते हैं कीस्टोन स्पीशीज है। अगर टाइगर खत्म हो जाएंगे तो पूरा इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो बैलेंस है फॉरेस्ट का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक आशा वर्कर है पूनम नौटियाल, उनकी तारीफ करी थी जब ये सेशन कंडक्ट कर रहे थे मन की बात का। अब आपको बताना है ये जो पूनम नौटियाल है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से एरिया से बिलोंग करती है उत्तराखंड के, जिनकी प्रेस की गई क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय अपना परफॉर्मेंस दिया कोविड पीरियड में पेशेंट्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने में। आंसर है आपका बागेश्वर। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की हैं। बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स ये खुद भी फेस कर रही थी कोविड के टाइम पे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं भूली और इन्होंने जगह जगह जाके वैक्सीनेशन की अवेयरनेस क्रिएट करी और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक भी किया ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये खुद बता रही थी कि एक दिन में ये 5 से 7 किलोमीटर पैदल चलती थी और पैदल चल के तराई रीजन जो है वहां पे इन्होंने लोगों को कोविड के बारे में बहुत अवेयरनेस जनरेट करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो अभी अभी लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में जिसके तहत उत्तराखंड से जो गंगा जल है उसको पैक किया जाएगा अर्दन पोर्ट्स में, फिर जो 12 ज्योतिर्लिंग है ऑल अक्रॉस द कंट्रीज वहां पे उन्हें भेजा जाएगा। आंसर है गंगा जल। प्रोग्राम का नाम भी गंगा जल ही है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कोविड के टाइम पे बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस में जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी विजिट की, हमने पुराने करंट अफेयर में भी देखा था बहुत सारे जैसे मतलब यात्राएं कैंसिल की गई थी, इसी वजह से ये प्रोग्राम चलाया गया है जिसके तहत गंगा जल को पैक करके ऑल अक्रॉस द इंडिया जगह जगह भेजा जाएगा और जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहां पे भी उन्हें भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने एक टीम बनाई है, आपको बताना है उस टीम में कितने मेंबर्स हैं, इस टीम का पर्पस क्या होगा। ये लगभग 1200 किलोमीटर से ज्यादा एरिया ट्रेवल करेगी और इसलिए ट्रेवल करेगी ताकि जो पुराना चारधाम ट्रैक था वो प्रॉपर तरीके से उसे स्टडी कर पाए और फाइंड कर पाए कि पूरा चारधाम ट्रैक कहाँ से कहाँ तक जाता था। ठीक है, 1200 किलोमीटर से ज्यादा के एरिया से कवर करना है। देखिए आप यहाँ पे ट्वीट देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर का, तो ये आपको डायग्राम से पता लग गया, यहाँ लिखा हुआ है 25 सदस्यों का दल, तो 25 मेंबर्स होंगे इस टीम में। ठीक है, और वो क्या करेंगे, जो भी उत्तराखंड की पुरानी पगडंडियां हैं उनका पता लगाएंगे कि ये पुरानी पगडंडियां जो हैं ये कैसे चारधाम की यात्रा करती थी, कैसे चारधाम तक पहुंचती थी, तो चारधाम ट्रैक को प्रॉपर तरीके से स्टडी करने के लिए ये टीम जो है वो अभी बनाई गई है। बेसिकली ये इनिशिएटिव आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो भी ओल्ड हेरिटेज है, पुराना हमारा जो भी हेरिटेज है उसको कंजर्व करने के लिए चलाया जा रहा है। ये जो कैंपेन है ये एडवेंचरस स्पोर्ट को भी और ज्यादा इनकरेज करेगा क्योंकि ये काम बहुत एडवेंचरस है, क्योंकि आप किसी पुराने ट्रैक को पगडंडियों को प्रॉपर स्टडी करने जा रहे हैं और आपको पता नहीं है रास्ता किधर जाता है, आप खुद फाइंड करने जा रहे हैं उस रूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी देवास्थनम के ऊपर, ठीक है, देवास्थनम बोर्ड के द्वारा, उस कमेटी के आपको चेयरमैन बताना है कौन थे। इन्होंने अभी अपनी रिपोर्ट है, इंटरिम रिपोर्ट है, उसको सबमिट कर दिया है चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी को, तो कौन इसके चेयरमैन थे ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है मनोहर कांत ध्यानी। बेसिकली ये जो आपका बोर्ड था इसकी हाई लेवल कमेटी क्यों बनाई गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से स्टडी करना था कि किस तरीके से जो भी पिलग्रिमेजेस आते हैं उत्तराखंड के जगह जगह में रिलीजियस प्लेसेस पे उनको किस तरीके की दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं,
या फिर उनके आने से एनवायरनमेंट में किस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ये सब इसमें स्टडी करना था। तो ये कमेटी ने अभी रिपोर्ट सबमिट की है और इसमें ये बताया है कि जो पिलग्रिमेज आते हैं, फिर जो प्रीस्ट होते हैं मंदिरों में, उनको क्या क्या इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते हैं, ताकि हम प्रॉपर तरीके से जो गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के प्रीस्ट हैं या फिर पिलग्रिमेज सेंटर हैं, उनको मैनेज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने अनाउंस किया है 4600 ग्रेड पे फॉर द पुलिस पर्सोनल। ये जो ग्रेड पे है, ये एक पर्टिकुलर बैच पुलिस पर्सोनल का जो है वहां से शुरू किया जाएगा। तो कौन से साल के बैच से ये ग्रेड पे मिलना शुरू हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए, ये भी लिखा हुआ है कि जो 20 साल की सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं उनको ये ग्रेड पे लग जाएगा। तो आप 20 माइनस कर दीजिए प्रेजेंट से, 2021 से, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2001। यानी कि 2001 बैच से आगे के जो भी पुलिस पर्सोनल है उनको अब 4600 का ग्रेड पे मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्पेशल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट सेट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर स्टेट में, ताकि वहां के जो डिजास्टर्स हैं उनसे प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग की जा सके और किस तरीके से उन डिजास्टर को रोका जा सकता है, इसके बारे में प्रॉपर स्टडी की जा सके। और ये जो इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट में ये सेटअप होगा, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में फ्रीक्वेंट डिजास्टर आ रहे हैं, तो इसी को देखते हुए अमित शाह जी ने विजिट किया था उत्तराखंड को, तब उन्होंने ये चीज कही कि जल्द ही यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर सेटअप किया जाएगा, ताकि टीम जो है वहां रेगुलर वर्क करेगी और स्टडी करेगी और फ्रीक्वेंट होने वाले डिजास्टर को रोका जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एडवांस में इस इंस्टीट्यूट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 250 करोड़ का जो बजट है उसे रिलीज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा मीठा रीठा साहिब के बारे में, ये न्यूज में था तो आपको बताना है कि ये कौन से साल में कंस्ट्रक्ट किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है 1960। देखिए हुआ क्या है, सडनली बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ, एक्सेसिव रेनफॉल हुआ जब उत्तराखंड में, तो एक आइलैंड जो है वो इमर्ज हुआ है अलोंग द रीठा साहिब एरिया। मतलब आइलैंड कैसे मर्ज होता है, जैसे रेनफॉल की वजह से बहुत सारा लैंडस्लाइड हुआ, बहुत सारे टेरेन जो है बहुत सारा वो इरोड हुआ, और ये जो इरोजनल सेडिमेंट थे ये एक एरिया में जाके इकट्ठे हो गए, जुड़ गए, तो वो आइलैंड टाइप दिखने लग गया आपको, ठीक है। तो ये जो आइलैंड है ये इसलिए मर्ज हुआ क्योंकि जो रिवर थी उसने अपना कोर्स जो था उसे चेंज कर लिया था। उस कोर्स चेंज की वजह से ये रीठा साहिब के एरिया में आइलैंड जो है वो देखने को मिला है, जिससे ये न्यूज में था। और इस आइलैंड के बनने के कारण क्या हुआ, जो उस रीठा साहिब एरिया के पीछे में लोग रह रहे थे, फंस गए थे बारिश की वजह से, वो वहीं पे फंसे रहे, तो उनको वहां से निकालने का काम चल रहा था, इसलिए ये आपका रीठा साहिब जो गुरुद्वारा है वो न्यूज में था। आपको ध्यान रखना है कि ये आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगर हम और सिग्निफिकेंस देखने को और सिग्निफिकेंस जाने गुरुद्वारा मीठा रीठा साहिब की, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो गुरुद्वारा है ये गुरु नानक देव जी के साथ एसोसिएटेड है, और गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी के साथ इस गुरुद्वारे में विजिट किया था, ठीक है। इसको 1960 में कंस्ट्रक्ट किया गया था और ये आपका गांव जो त्योरी है उसके पास में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये रिटायर्ड है बेसिकली। तो आपको बताना है ये उत्तराखंड के कौन से नंबर के गवर्नर बने हैं। करेक्ट आंसर है आपका 8th, उत्तराखंड के 8th गवर्नर बने हैं। देखिए जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं तो उनको ओथ दिलवाई गई है चीफ जस्टिस ऑफ नैनीताल हाई कोर्ट के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8th गवर्नर हैं ये स्टेट के, और इन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से वो कोशिश कर सकते हैं उत्तराखंड को एक एग्जाम्पल क्रिएट करने में इन टर्म्स ऑफ पीस एंड हार्मनी। मतलब वो ये दिखा सकते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये कोशिश करनी चाहिए कि उत्तराखंड एक ऐसा प्लेस है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिलीजियस प्लेसेस देखने को मिलते हैं और यहाँ पे तरह तरह के लोग भी रहते हैं, और वो कितनी पीसफुली और कितनी हार्मनी के साथ रहते हैं, ये कंट्री के लिए एक मैसेज की तरह जा सकता है। ये इन्होंने जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था इन्होंने ये चीज बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकर्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कौन सी स्टेट ने एक डिवाइस जो है या फिर एक रिस्ट बैंड जो है उनको
जल्दी से ही इनकॉर्पोरेट किया है अपनी इस ट्रैकिंग की एक्टिविटीज में, जिसके तहत किया क्या जाएगा, जो भी ट्रैकिंग करने जा रहे हैं उनको एक जीपीएस इनेबल्ड रिस्ट बैंड दिया जाएगा। यानी कि अगर वो खो जाते हैं ट्रैकिंग करते टाइम, तो जीपीएस इनेबल्ड रिस्ट बैंड से आप उनको लोकेट कर सकते हैं। अगर वो कहीं फंसे हुए हैं तो आप उनको वहां से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर द सेफ्टी ऑफ ट्रैकर्स किया गया है। कौन सी स्टेट में ये हुआ है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, बेसिकली अभी क्या हुआ था, मुंबई से कुछ ट्रैकर्स आए थे जिन्होंने ट्रैकिंग शुरू की त्रिशूल पीक के ऊपर, और वहां पे मतलब जब वो ट्रैकिंग कर रहे थे तो तीन जो थे वो गुम गए, बाद में उनकी डेड बॉडीज मिली। इसी इंसिडेंट को देखते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी अब ट्रैकिंग करने जाएगा उत्तराखंड की किसी भी एरिया में, तो उनको हम पहले ये रिस्ट बैंड अवेलेबल करवाएंगे, ताकि आगे चल के अगर वो कहीं खो जाते हैं तो हम उन्हें आराम से लोकेट कर सके और उनकी जान जो है वो बचाई जा सके। ये अच्छा इनिशिएटिव है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो जो भी एरियाज ऑल अक्रॉस द इंडिया है जहां पे ट्रैकिंग होती है, वहां पे ये सेम चीज जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी और उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो कॉर्बेट और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के आसपास का एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाएगा। तो फाइनली इस जोन को डिक्लेयर करने के साथ आसपास के कुछ गांव हैं जिनको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जो गांव होते हैं वो फॉरेस्ट रिजर्व के ऊपर या फिर टाइगर रिजर्व के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कुछ अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को लेके भी। लेकिन जब वहां पे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर नहीं होता है तो काफी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, जिसकी वजह से गांव में रहने वाले लोगों को नुकसान होता है। फाइनली जब ये इको सेंसिटिव जोन बनेगा तो इन्हें थोड़ा बेनिफिट होगा। आपको ये बताना है कि कितने गांव इससे बेनिफिट पाएंगे जब ये इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर होगा। आंसर है 20 जो विलेजेस हैं उनको इनडायरेक्टली बेनिफिट हो जाएगा। लगभग यूपी से जब कॉर्बेट बॉर्डर रिजर्व का जो एरिया है वहां से 30 किलोमीटर एक्सटेंड करके इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाएगा। सिमिलरली अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वहां से 15 किलोमीटर का स्ट्रेच दे के वो इको सेंसिटिव जोन बनेगा। तो टोटल यहां से 30 और यहां से 15 किलोमीटर ये पूरा एरिया इको सेंसिटिव जोन हो जाएगा। इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं? वो जोन होते हैं जहां पे इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया होते हैं, जहां पे कोई भी मैन मेड एक्टिविटी जो है वो परमिटेड नहीं होती है। बहुत ही रेयर में कुछ एक्टिविटीज है जो आपको अलाउ की जाती हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर होने के साथ ही यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी, और जो 20 विलेजेस हैं उन्हें बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड ने लगभग कितने स्कूल्स को मर्ज करने का डिसीजन लिया है? आंसर है 1500। और इसका मेन मोटिव क्या है? मर्जिंग के थ्रू एक तो फंडिंग जो है डिफरेंट स्कूल्स को जाती है वो कम हो जाएगी। जब सबको मर्ज किया जाएगा तो एक ही स्कूल को ज्यादा फंडिंग पहुंच पाएगी। इससे जो क्वालिटी एजुकेशन है, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स जो है, जो उनकी सैलरीज हैं वो अच्छे से पे हो पाएंगी। देखिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये फोकस है कि क्वांटिटी से ज्यादा हमें क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना है। और इसी के साथ जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसने ये कहा है कि हर स्कूल में एक इंग्लिश और एक कंप्यूटर टीचर जो है वो पक्का होना चाहिए। तो जब ये मर्जिंग हो जाएगी तो इनकी जो फंडिंग है वो भी इसी मर्जिंग से निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 साल की एक लड़की है दीपिका, जो कि आपकी किशनपुर विलेज से है। आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। कनाडा हाई कमिश्नर की इन्होंने एक दिन के लिए, कनाडा के हाई कमिश्नर की इन्होंने एक दिन के लिए भूमिका निभाई वर्चुअली। और ये क्यों निभाई? उस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल था, तो इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए इन्हें एक दिन के लिए वर्चुअल कनाडा हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। तो कौन सी स्टेट की है ये आप बताएंगे। आंसर है उत्तराखंड। किशनपुर विलेज अगर आपको पता है कहाँ है तो उत्तराखंड में है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हम कब सेलिब्रेट करते हैं? हर साल 11 अक्टूबर को। ठीक है, तो जो इंडिया का मिशन है, मतलब इंडिया का जो कनाडा मिशन है जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, प्लस जो कनाडा का हाई कमिश्नर ऑफिस है, इन दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेशन करके दीपिका को वर्चुअली क्या किया, एक दिन के लिए हाई कमिश्नर अपॉइंट किया। तो आप इसका नाम भी ध्यान रखेंगे क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ये हम डे इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो विमेन की कैपेसिटी है उसको हम शो कर सके, उसको शोकेस किया जा सकता है कि हर एक लड़की कितना अचीव कर सकती है, और इक्वल राइट ऑफ गर्ल्स के लिए ये लगातार बात करता है
इसीलिए आपका ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा नेशनल पार्क है जिसका जल्द ही नाम बदल के शायद राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपको पता है कि कौन से नेशनल पार्क से रामगंगा रिवर फ्लो होती है। करेक्ट आंसर है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1954 से 56 के बीच में यहाँ का जो एक रिजर्व था उसको, एक टाइगर रिजर्व था उसको रामगंगा नेशनल पार्क नाम दिया गया था। अब दोबारा से ये कहा जा रहा है कि पूरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसका नाम बदल के हम रामगंगा नेशनल पार्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ से रामगंगा रिवर जो है वो फ्लो होती है। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो बेसिकली जिम कॉर्बेट के नाम से है। ये एक लेजेंडरी हंटर थे, बाद में ये राइटर बन गए थे। जब ये नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम पे इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं था, बल्कि इसका नाम था मैल्कॉम हेले नेशनल पार्क। ठीक है, और मैल्कॉम हेले कौन थे? ये आपके यूनाइटेड प्रोविंसेस के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिनके नाम पे ये नेशनल पार्क का नाम, मतलब ये हेले नेशनल पार्क नाम रखा गया था। बाद में इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया और अब बोला जा रहा है कि इसको रामगंगा नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखिए क्वेश्चन क्यों फ्रेम हुआ है, क्योंकि NTCA ने उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर जारी किया है कि राजा जी टाइगर रिजर्व में सारी टूरिज्म एक्टिविटीज जो हैं उसको कोर एरिया में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो कोर एरिया होता है वो मेन एरिया होता है जहाँ टाइगर पाए जाते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि कोर एरिया में कोई भी टूरिस्ट लेके नहीं जाया जाएगा, पूरी टूरिज्म एक्टिविटी वहां बंद होगी, इसलिए ये न्यूज में था। करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। करेक्ट है। सेकंड है कि जितने भी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर मेजर्स होते हैं या एक्शंस होते हैं वो इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी सही है। तो पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर में कौन सी बॉडी रोल प्ले करती है, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो चेयरमैन होते हैं इस बॉडी के, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाइस चेयरमैन होते हैं, ये पॉइंट भी सही है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया जा सकता है, यहाँ आपका पे आपको ये कहा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं जबकि आपके मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेयरपर्सन होते हैं। तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट हो गए, आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में जो भी लैंडस्लाइड आए हैं, जो भी हैवी रेनफॉल हुआ है उसके बाद से लगभग कुछ रिवर्स हैं उत्तराखंड की जिन्होंने 250 किलोमीटर से ज्यादा कुमाऊं रीजन का जो फॉरेस्ट एरिया है उसे पूरी तरह से बहा दिया, स्वेप्ट अवे कर दिया। ये 2 दिन की हैवी रेन की वजह से हुआ है। तो कितनी रिवर्स ने वहां पे तबाही मचाई है और 250 किलोमीटर का फॉरेस्ट लैंड खत्म कर दिया, ये आपको बताना है। आंसर है 5। 5 रिवर्स इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, मतलब ये बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो गई थी एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से। कुमाऊं रीजन में ये फ्लो करती हैं, रिवर्स का नाम ध्यान रखेंगे, गौला, नंधौर, कोसी, शारदा और रामगंगा। ठीक है, और सबसे ये सारी रिवर्स आपकी मेनली कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से फ्लो होते करते हुए जाती हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्री का पहला गोरखाली कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है उसको घड़ी कैंट एरिया में इनॉग्रेट किया गया है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट हुआ है ये आपको बताना है। अगर पता है आपको कि ये कैंट एरिया देहरादून में है तो आप इसका आंसर मार्क कर देंगे, देहरादून में आपका ये जो है रेडियो स्टेशन इसको इनॉग्रेट किया गया है, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ये लेक्चर जो है खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।